दोस्तों आज के वीडियो में बात करेंगे कि आखिर एक पीयर टू पीयर ट्रांजैक्शन क्या होता है और आप वजीर पे फॉर जीरो फीस एक पीयर टू पीयर ट्रांजैक्शन कैसे कर सकते हो उसका एक मैं वीडियो में डेमांस्रेशन करूंगा सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो दोस्तों वीडियो को शुरू करने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर दो और इस वीडियो को लाइक कर दो इससे जो हमारी चैनल की रीच है वो बढ़ती है और जो है वो भी हमारे चैनल को प्रोमोट करता है तो डेफिनेटली यह वीडियो को लाइक करना और सब्सक्राइब करना इंपॉर्टेंट है दोस्तों सबसे पहले डिस्कस करते हैं वट एक्सैक्टली इज पीयर टू पीयर ट्रांजेक्शन तो आप लोगों को पता होगा कि जब भी आप कोई एक नॉर्मल बैंकिंग ट्रांजैक्शन करते हो फॉर एग्जांपल एक नॉर्मल यूपीआई ट्रांसफर तो वो जो ट्रांजैक्शन है वो प्रोसेस किया जाता है थ्रू योर बैंक और जो बैंक है वो एक रिसिपियंट बैंक को एक एसएमएस सेंड करता है अबाउट दैट ट्रांजैक्शन अबाउट दैट अमाउंट जो कि आपके बैंक अकाउंट से डेबिट होके उस बने के बैंक अकाउंट में क्रेडिट होगा वॉट हैपन्स इन पीयर टू पीयर ट्रांजेक्शन इज की फॉर एग्जाम्पल इफ यू आर सेंडिंग बिटकॉइन टू समन दैटवर्क इट सेल्फ इज डिसाइज यानी कि वहां पर कोई मिडलमैन नहीं है जो कि यह वेरीफाई करेगा दैट इफ योर अकाउंट हैज एक्स वाइज ई अमाउंट ऑफ बैलेंस और मैं उसको इस बैंक में ट्रांसफर करूंगा वगैरह वगैरह तो, तो बीच में से जो भी मिडलमैन होता है वो निकल जाता है और जो ट्रांसफर है वो बिटवीन डायरेक्टली पर्सन ए एंडसन बी करा जाता है अब दोस्तों एक ट्रूली डिसेंट्रलाइज प्योर टू प्यर फैशन का सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है बिटकॉइन इथीरियम और जितने भी बाकी के क्रिप्टो करेंसीज है ये सारे के सारे जो ट्रांजेक्शन होती है ऑन ब्लॉक चेन नेटवर्क ये सब कुछ पी टू पी के थ्रू करा जाता है और इसमें कोई भी नहीं होता बीच में जो कि ट्रांजेक्शन फीस वगैरह ले ले अब यहाँ पे एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम ये आता है कि जो ये पीयर टू पीयर ट्रांजेक्शन करी जा रही है हाउ टू वेरीफाई की ये जो बंदा पैसे भेज रहा है कि एक्चुअली में इसके पास पैसे है या नहीं तो ये जो दोस्तों प्रोसेस ये काम करती है माइनर्स जो कि नेटवर्क के हर एक ट्रांजैक्शन को वेरीफाई करती है और और हर एक नेटवर्क का एक इंडिविजुअल कंसेंसस मैकेनिज्म होता है अगर आपको ये कोई भी चीजें समझ नहीं आ रही है कि मैं क्या बातें कर रू क्या ये बोल रहा है मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है यार तो पुराने वीडियोस को देख लो विल ड्रॉप दो लिंक इन डिस्क्रिप्शन मैंने हर एक वीडियो में डिटेल में एक्सप्लेन किया है हाउ बिटकॉइन हाँ हाँ तो करते हो फॉर एग्जाम्पल ऑन वजीरेक्स तो यहाँ पे वजीरेक्स जो है एज एन एस्क्रो सर्विस काम करता है और जो सेलर का क्रिप्टो है उसको वजीरेक्स एज अ लॉक्ड फॉर्म में स्टोर कर देता है जब तक ट्रांजेक्शन कंप्लीट ना हो जाए अब दोस्तों वजीरेक्स पी टू पी में क्योंकि बायर्स और सेलर्स डायरेक्टली दूसरे के साथ इंटरेक्ट कर रहे होते हैं तो यहाँ पे कोई भी आपको बीच में फी पे करनी नहीं होती है बट अगर आप पी टू पी ट्रांजेक्शन करोगे फॉर योर डिपॉजिट और विदड्रॉल्स तो आपको उसमें कोई भी ट्रांजेक्शन फी नहीं देना होगा दिस रीजन अगर आप एक बहुत बड़े अमाउंट का डिपॉजिट कर रहे हो फॉर एक्साम्पल और मे बी फिफ्टी तो मोबीक्विक में वहां पे इजिली आपको 600-700 रुपए का ट्रांजैक्शन फी लग जाएगा विच एक्ज़ैक्टली मेक्स नो सेंस क्योंकि आप ऐसे क्यों पे करोगे किसी को बस सो सो well. तो जल्दी से देखते है कि पे आप पी टू पी ट्रांजेक्शन कैसे कर सकते हो अब दोस्तों हम वीडियो में बात करेंगे कि अगर आपको किसी भी एक स्पेसिफिक यूजर से यूएसडीटी बाई करना है तो आप वो कैसे कर सकते हो ऑन वजीर एक्स पी टू पी तो यहाँ पे अगर आप दोस्तों प्रॉपरली नोटिस करोगे हर एक जो सेलर होता है उसका एक यूनिक एक्स आई होता है जो कि वो सेट कर सकता है यू नो वाइल साइनिंग अप फॉर दी वजीर एक्स पी टू पी प्लेटफॉर्म तो अगर आपको किसी एक स्पेसिफिक सेलर से बाई करना है फॉर एग्जाम्पल लेट्स वी आर वी वॉन्ट टू बाई फ्रॉम दिस गाई ओके तो ये जो सेलर आई डी है वी नीड टू पुट इट एन एन यर प्रेफर्ड सेलर सेक्शन तो यहाँ पे आप यहाँ से डायरेक्टली क्लिक कर सकते हो लाइक like दिस तो यहाँ पे ये टैग जो है वो ऑटो फिल हो जाता है अगर आपको नहीं करना है इनसे बाई अगर आपको किसी अपने दोस्त से बाई करना है सो यू कैन डू दैट और सिमिलरली आप यहाँ पे देख सकते हो जो मेरा आईडी है दैट इज दिस तो मैं अगर मान लो इन फ्यूचर कभी भी मैं बेचना चाहता हूँ टेदर को सो आई कैन आस्क माई फ्रेंड कि आप एक बाई uh, ऑर्डर डाल दो विथ दिस एक्स आई डी तो हमारा जो ऑर्डर है वो एक दूसरे के साथ मैच हो जाएगा सो दिस इज हाउ इट वॉल वर्क इन अ बाइंग सेक्शन फॉर अ प्रेफर्ड सेलर एग्जैक्टली ये जो डैशबोर्ड है ये क्या डिनोट करता है और आप क्या मेक श्योर sure कर सकते हो जिससे कि आपका जो ऑर्डर है वो सबसे पहले एग्जीक्यूट हो तो यहाँ पे दोस्तों ये जो ऑर्डर बुक है दिस बेसिकली शोज की अभी जो मार्केट है उसका डेप्थ कितना है यहाँ पे एक है ऑर्डर वॉल्यूम एक एक करके दोनों को ब्रेक डाउन करते हैं सो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे आप देखोगे कि जो लोएस्ट सेलिंग प्राइस है विच इज बेसिकली द प्राइस यहाँ पे ये यह जो uh, इंसान इसको सेल करने की कोशिश कर रहा है एक्चुअली इट वॉज गॉन सो बेसिकली ये जो भी वॉल्यूम है अराउंड थ्री थाउजेंड फोर हंड्रेड डॉलर ये अभी लोएस्ट okay? प्राइस है फॉर सेलिंग ओके इससे ज़्यादा प्राइसिस पे काफ़ी लोगों ने ज़्यादा ज़्यादा बिडिंग कर रखी है बट दिस इज द लोएस्ट यू कैन बाई इट फॉर नाइट नाउ और सिमिलरली यहाँ पे जो भी बाइंग प्राइस है यू कैन सी दिस इज द हाइस्ट बाइंग प्राइस अवेलेबल राइट नाउ इसके अलावा जितना भी वॉलीम है यू कैन सी अलाट ऑफ वॉलीम इज़ एक्चुअली ऑन दी लोअर एंड तो अगर आपको मान लो टैदर बेचना है जो कि हम लोग इस वीडियो में एग्जाम्पल के तौर पर शो करेंगे अगर हम टेदर बेचेंगे सो वॉट वी नीड एस कि हमारा जो ऑर्डर है वो सबसे जल्दी एग्जीक्यूट हो तो इसके लिए हम लोग एक बेसिक प्राइस सेटअप करेंगे मेनली लेट्स से यहाँ पे एटी रुपीज़ के प्राइस पे अभी काफ़ी अच्छा वॉल्यूम है अराउंड एटीन थाउजेंड डॉलर्स वर्थ ऑफ यहाँ पे ऑर्डर्स प्लेस्ड है तो हम लोग यहाँ पे सबसे सस्ता ऑर्डर डालेंगे विच इज़ राइट नाउ इट इज़ एटी पॉइंट वन जीरो तो हम यहाँ पे डालेंगे एटी रुपीज़ का ऑर्डर तो हमारा जो ऑर्डर है वो सबसे पहले एग्जीक्यूट हो जाएगा क्योंकि ऑब्वियसली अभी लोग 80 पे ज़्यादा खरीदना चाह रहे हैं आई कैन ऑलसो प्लेस एन ऑर्डर फॉर लेट्स यहाँ पे किसी ने डाला है एटी पे बाइंग ऑर्डर बट आप इन प्राइसेस को फोकस मत करो क्योंकि यूजुअली ये सारे स्कैमर्स होते हैं जो कि पेमेंट्स में कुछ दिक्कत कर देते हैं so, सो ज़्यादा लालची होके ज़्यादा एक्सपेंसिव सेलिंग प्राइस और बाइंग प्राइस मत डालो जस्ट बी ट्राई टू बी रियलिस्टिक और एक्सचेंज पे अभी जितना रेट चल रहा है टेदर का लेट्स सी uh, वो है अराउंड एट्टी पॉइंट टेन रुपीज़ तो अगर आप एटी रुपीज़ के आसपास ख़रीदोगे इट विल बी गुड इनआफ़ राइट तो यहाँ पे हम पी टू पी में जाएंगे और एक्चुअली मैं एक ऑर्डर प्लेस करेंगे ऑफ एटी रुपीज़ तो यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा सेल पे और यहाँ पे प्राइस मैं करूँगा लेट्स से एट्टी और यहाँ पे मैं अमाउंट डालूँगा ट्वेंटी तो ये बेसिकली एक फॉम है विच इज़ वेरी ईजी और यहाँ पे जो पेमेंट मेथड्स है यू कैन जस्ट एक्चुअली क्लिक ऑन दैट एंड सी कि आपका पर कौन सा बैंक अकाउंट वगैरह लिंक्ड है किस में पैसा आएगा सो फॉर मी आई हैव सेट माय आईसीआईसीआई बैंक अकाउंट तो आई थिंक इट इज़ गुड टू गो अब पी टू पी में वापस जाएंगे आ, यहाँ पे करेंगे सेल सेलेक्ट एटी और यहाँ पर जो वॉल्यूम है दैट इज़ ट्वेंटी कर दिया सोलह सौ रुपये आएँगे इन माई बैंक अकाउंट तो आई क्लिक ऑन सेल तो अब ये क्या करेगा इट विल एक्चुअली ट्राई टू मैच मी विथ बायर्स डायरेक्ट बायर्स जो कि ट्वेंटी टेदर को खरीदेंगे एट एटी रुपीज़ और ये होने में थोड़ा सा टाइम लगता है सो इट कैन रेंज एनी वेयर बिटवीन मिनट्स टू कपल ऑफ मिनट्स लाइक फिफ्टीन मनी मिनट्स तो उसके बाद मैं वापस आता हूँ जब ये ऑर्डर मैच हो जाता है अब दोस्तों जैसा कि आप लोग देख सकते हो यहाँ पे एक बायर मैच हो चुका है फॉर फिफ्टीन डॉलर्स बट मैंने ऑर्डर प्लेस किया था ट्वेंटी का तो ये एक्जैक्टली exactly एक प्रॉब्लम है ऑन वजीरक्स की अगर आप 20 का डालते हो तो इसका कोई गारंटी नहीं है कि आपका 20 टेदरी जो है वो एक्जैक्टली exactly सेल हो जाएगा क्योंकि Uh, ये जो पता नहीं इनका जो मैचिंग इंजन है दैट वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन तो यहाँ पे अभी मेरा जो रिमेनिंग फाइव यू है ये अभी सेल नहीं होगा हो पाएगा क्योंकि मिनिमम uh, जो वॉल्यूम चाहिए दैट इज़ अराउंड सेवन पॉइंट फाइव टदर तो वेट करते हैं लेट्स सी कि अगर ये बंदा पे करता है सो इट विल बी डन आई विल जस्ट मार्केट एज पेड अगर नहीं करता है सो इट विल स्टार्ट मैचिंग अगेन एंड दैट्स इस द डाउन साइड ऑफ वजी एक्सपी टू पी विच आई ऑनेस्टली फील तो यहाँ पर मैं इसको स्टॉप फर्दर मैचिंग पे क्लिक कर दूंगा और वेट करूँगा कि कब ये पे करता है सो माई फिफ्टीन टेदर विल बी पेड एक्चुअली तो देखते हैं कब तक ये पे करता है लेट्स से लेट्स सी हाउ इट गोज़ सो गाइज इट इज़ अराउंड फाइव मिनट्स राइट ना और अभी तक इसने पेमेंट नहीं किया है दिस पर्सन सो वन थिंग आई फील कि दैट कैन बी इम्प्रूवडे और इसकी बाइनेंस में आपको पता होगा एक चैट ऑप्शन मिलता है विद दी बायर और सेलर सो इफ दैट गेट्स इम्प्लीमेंटेड इन वजीर एक्स विच आई एम श्योर ये लोग फ्यूचर में डेफिनेटली इसको इम्प्रूव करेंगे देन इट विल बी अ लॉट बेटर बट राइट नाउ इट इज नल्सो दैट बैड क्योंकि आपको पता है कि पेमेंट्स आई जाएंगे अगर नहीं आती है सो यू विल गेट यूर फंड रिलीज ऑन ऑल तो I'll just wait for a couple of more minutes. और दोस्तों यहाँ पे मेरे पास जो transaction का है वो confirmation भी आ गया gladly. तो यहाँ पे I have to check it on my banking app. So I'll just do that by opening my account. So let's say यहाँ पे तो यहाँ पे दोस्तों मेरे पास actually में payment आ चुका है. I'll just show the receipt as well as a screenshot. तो उसने मेरे Paytm ID पे payment करा है. सो वट आई विल डू राइट नाउ इसकी बेसिकली यहाँ पर आप देख सकते हो येस आई हैव रिसव का एक बटन हैल क्लिक ऑन दट एंड आई क्लिक ऑन यू हैव चेक माई यू पी आई एंड क्लिक ऑन येस आई हैव रिसिव्ड